कनाडा के टोरंटो में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने रिको कॉलेजियम में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। पीएम के संबोधन से पहले रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनता परिवार का विलय हो गया। शरद यादव ने कहा कि 6 पार्टियों ने आपस में विलय का फैसला किया है। मुलायम सिंह यादव नए दल के अध्यक्ष होंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी अध्यक्ष मुलायम सिंह ही होंगे। नाम झंडे और चुनाव चिन्ह पर फैसला भी बाकी है। पेट्रोल और डीजल हुआ सस्ता। पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 1 रुपया 30 पैसे सस्ता हो गया। 2G घोटाला मामले में सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट को बताया कि ए राजा ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को गलत जानकारी दी। मुंबई में बांद्रा ईस्ट का विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद नारायण राणे के घर के बाहर मारपीट। राणे और शिवसेना समर्थकों के बीच हुई मारपीट। शिवसेना की अतृप्ति संवाद में नारायण राणे को बांद्रा ईस्ट सीट पर हराया। हरिद्वार में बुधवार को हुई 7 साल की बच्ची के हथियारों का सुराग पुलिस लगा नहीं पाई थी कि कनखल थाना क्षेत्र में ग्राम जमालपुर में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली 14 साल की लड़की की उसी के घर में बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या की 2 वारदातों के बाद उत्तराखंड पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अनिल रतूड़ी और आईजी संजय गुंजाल भी घटनास्थल पर पहुंचे। प्रतापगढ़ में शादी का नाटक रचाकर सिपाही ने नाबालिग लड़की का 3 साल तक यौन शोषण किया। यहां तक उसे अपने 2 सिपाही दोस्तों से भी लड़की के साथ गलत काम कराया। पीड़ित की तहरीर पर सिपाही और उसके एक साथी पर गैंगरेप का मामला दर्ज कर लिया गया है। झांसी के समतल थाना क्षेत्र के पहाड़पुरा नाका में एक युवती को अगवा कर बंधक बनाकर रेप करने का मामला सामने आया है। घटना उस वक्त की है जब पीड़िता किसी काम से घर से बाहर निकली थी। वहीं गांव के अर्जुन ने अपने एक साथी के साथ युवती का अपहरण कर लिया और उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। इलाहाबाद में पीसीएस का पेपर लीक होने के बाद छात्रों का हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बार बार मामले में कार्रवाई और जांच की बात कर रहे हैं। छात्रों के आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव को भी हटाने की मांग की है। रामपुर में दलितों की बस्ती उजाड़ने जाने के मामले को 10 दिन बीत चुके हैं और जिला प्रशासन ने अभी तक कोई हल नहीं निकाला है। एडीएम ने बस्ती पहुंचकर दलितों से बात करने की कोशिश की। अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है जहां लोरपुर गांव के एक युवक ने मासूम को आमदनी के बहाने हवस का शिकार बनाया। रोजाना जनरल टिकट के लिए परेशान होने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। उत्तर रेलवे चारबाग रेलवे स्टेशन पर जल्द ही 4 स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन लगाने जा रहे हैं। लखनऊ के लाम माधवनी स्कूल में छात्र की मौत का मामला अब तक सुलझ नहीं पाया है। अभी पुलिस मामले की पूरी तरह से जांच कर भी नहीं पाई थी कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छात्र की मौत को आत्महत्या बता डाला। अलीगढ़ के थाना बन्नारेवी क्षेत्र स्थित तहसील गेट जीटी रोड पर हाथरस के पिटल कारोबारी के मुनीम से बदमाशों ने स्कूटर सहित 11 लाख रूपये लूट लिए। गाजियाबाद के यूपी पर्यटन विभाग के सरकारी गेस्ट हाउस में सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कुछ आपत्तिजनक स्थिति में युवक युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सभी युवक युवतियां हाई प्रोफाइल घरों से थीं और ये सभी दिल्ली के रहने वाले थे। अलीगढ़ जिला कारागार में कैदियों से मिलाने के नाम पर जमकर अवैध वसूली की जा रही है। जेल के भीतर धड़ल्ले से हो रही अवैध वसूली में जेल प्रशासन भी शामिल है। समाचार पत्र के कैमरे में तस्वीरें कैद हो गई। फिरोजाबाद में फसल की बर्बादी का लेखपालों द्वारा सर्वे न किए जाने की लिखित शिकायत। ग्रामीणों ने तहसीलदार से करते हुए जल्द से जल्द मुआवजे की मांग की और तहसील परिसर में नारेबाजी की तो वहीं जिला प्रशासन ने जल्द से जल्द सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने के आश्वासन दिया। हमीरपुर के थाना बिवार इलाके में 7 साल की बच्ची के साथ 7 साल के बुजुर्ग ने दुष्कर्म किया। नाबालिग बच्ची के माँ बाप काम से मदोहा बाजार गए हुए थे। बच्ची खेत पर गई थी तभी वहां मौजूद गांव के 60 वर्षीय छोटा कंगार को बहला फुसलाकर घर ले गया और जहां बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बेमौसम बारिश में बर्बाद हुए किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए आवाज उठनी शुरू हो गई है। किसान मंच ने भी मोर्चा संभाल लिया है। किसान मंच के नेताओं ने किसानों का मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर हरदोई जिले की संडीला तहसील के सामने हाईवे जाम कर दिया। शाहजहांपुर पुलिस ने फरवरी में हुई बैंक लूट के मामले में पूर्व सैनिक को गिरफ्तार कर लिया है जिसे सेना से निष्कासित कर दिया गया था। पकड़ा गया पूर्व सैनिक बैंक लूट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है।